हम एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है थर्मोडायनामिक्स इन केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो ये है क्या, ये कॉन्सेप्ट्स क्या बता रहा है? ये हमारे को हेल्प करेगा एक रिलेशन जनरेट करने में, जो ये बताएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ किस तरह से वर्क कर रहा है। लेकिन साथ ही एक नई टर्म हमारे साथ इंट्रोड्यूस होने वाली है, और वो है डेल्टा जी। इसको समझना, इसका नाम होता है फ्री एनर्जी चेंज, या चेंज इन फ्री एनर्जी, इन फ्री एनर्जी। देखो आप इसको बहुत ज्यादा नहीं जानते, लेकिन फिर भी जानना जरूरी हो रहा है। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, यहां इतना जान लीजिए, एक होता है वर्क और एक होता है यूजफुल वर्क। तो ये यूजफुल वर्क है, जैसे एक होता है मैंने, मेरे पास 24 आवर्स थे, मैंने 10 घंटे पढ़ाई करी, या सपोज 12 घंटे पढ़ाई करी। तो किसी ने कहा कितने घंटे पढ़ाई करी भाई, 50% पढ़ाई करी मैंने अपने टाइम का, तो ये तो हुआ मेरा वर्क, ठीक है। लेकिन पता चला मैं जब 12 घंटे पढ़ाई करी है, स्टडी करी है, तो उसमें 6 घंटे का मुझे याद रहा है, 6 घंटे में उबासी ले लेके इधर उधर देख रहा था, या कोई पढ़ रहा था कुछ और सोच रहा था, तो एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी आई जो मेरे को याद रहा, 6 घंटे, यानी 25% ऑफ द डे। तो वो एक होता है वर्क, एक होता है यूजफुल वर्क। तो वही डिफरेंस है, एक होता है वर्क, ठीक है, लेकिन जो यूजफुल वर्क है, जो वास्तव में आपको चाहिए था, उसी को डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी बोलेंगे, या फ्री एनर्जी चेंज बोलेंगे, और इसी को हम बोलते हैं यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क, इसको बहुत अच्छे से समझ लो आप। एक और एग्जांपल, मैंने एक आईसी इंजन, इंटरनल कम्बशन इंजन लिया अपने एक्टिवा स्कूटर का, ठीक है। मैंने देखा, मैंने उसमें पेट्रोल डाला, जिससे करीबन 100 कैलोरी एनर्जी क्रिएट हो रही है, 100 कैलोरी क्रिएट हो रही है उसके अंदर। ये इंजन है, मैंने यहाँ से हीट दिया, कितनी एनर्जी क्रिएट हो रही थी, 100 कैलोरी। इस 100 कैलोरी में से बहुत सारी कैलोरी बाहर जा रही थी, और वो थी 20 कैलोरी, यानी 100 कैलोरी तो गई और 20 कैलोरी निकली। तो टोटल कितना वर्क मिल रहा है आपको, 80 कैलोरी, बोलो यस और नो। अब 80 कैलोरी वर्क मिल रहा है, तो कुछ वर्क ये क्रैंक शाफ्ट, उससे व्हील शाफ्ट अटैच्ड है, वो पहिया घुमाने, यानी व्हील को घुमाने में काम आ रही है। तो कुछ कैलोरी तो यहाँ गई है, जो पिस्टन को मूवमेंट करना, फ्रिक्शन, हीटिंग, जो भी ये फैक्टर आ रहे हैं, वो सब आ रही, उसमें मान लीजिए 30 कैलोरी कंज्यूम हो गई। तो व्हील रोटेट करने में कितनी कंज्यूम हुई है, 50 कैलोरी। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो जो ये 50 कैलोरी व्हील को रोटेट कर रही है, ये है हमारे लिए यूजफुल वर्क। हम व्हील को रोटेट करने के लिए ही तो पूरा इंजन चालू किया है, पक्का? साइलेंसर को गर्म करने के लिए, इंजन को गर्म करने के लिए थोड़ी ना हमने करा था, वो तो गर्म हो जाए तो और बल्कि हमारे लिए नुकसान है, हार्मफुल है, लेकिन फिर भी वो होता है। तो यूजफुल वर्क हमेशा गिवन वर्क से क्या होता है, कम, और गिवन हीट से क्या होता है, बहुत ही कम। समझ में आ रही है बात? और यही डेल्टा जी है, यही यूजफुल वर्क है। और यूजफुल वर्क को क्या बोलते हैं, यूजफुल वर्क को क्या बोलते हैं, डेल्टा जी। बोलो क्लियर है? तो ये तो आपको समझ में आया डेल्टा जी क्या होता है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि डेल्टा जी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, प्रेशर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो इस तरह से डेल्टा जी दो तरह से क्लासिफाइड कर दिया, एक डेल्टा जी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, यानी इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, और एक डेल्टा जी हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट लगाती स्टैंडर्ड को शो करता है कभी भी। इस नॉट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी यहां टेम्परेचर लिया जाता है 298 केल्विन, और चैप्टर के अगेंस्ट अलग लिया जाता है, क्योंकि मोल में आप कितना लेते हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, 273, लेकिन यहां पर दिस प्रेशर 1 atm, और अगर कोई कंसंट्रेशन वाली टर्म आ रही है तो 1 m, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है इसकी। जबकि डेल्टा जी कोई भी कंडीशन, एनी कंडीशंस, और किसी से पूछा भाई इसमें क्या रिलेशन है, क्या हम इससे ये निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड पे, हाँ, क्या इससे ये निकाल सकते हैं, हाँ।
तो उनमें रिलेशन है आपके पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू यहां पर रिएक्शन क्वेश्चन है गिवन रिएक्शन का। अगर रिएक्शन आपके पास कुछ भी, और डेल्टा जी की वैल्यू दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बहुत सारी टर्म्स एक साथ आ रही है थर्मोडायनामिक्स की। यहां पर ये दो टर्म्स है आपके पास, तो मैं आपके साथ, और रिएक्शन मान लीजिए ये है आपके पास, जो जनरल बाय डिफॉल्ट रिएक्शन हम लेते हैं चैप्टर में वो ये। तो अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं एक एक करके। सबसे पहले इसमें जो काम आ रहा है वो है क्यू। क्यू क्या है आपके पास, सी डी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस। मान लीजिए यहां पर कोई एक्वस है और एक गैस है, मान लीजिए ये भी गैस है और ये एक्वस है। दो चीजें गैस है, दो चीजें एक्वस है, ठीक है, होने दो। तो पहले तो ये समझिए कि यहां पर क्यू क्या है। तो यहां जो क्यू है वो रिएक्शन क्वेश्चेंट है, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं वैसे ही रिएक्शन क्वेश्चेंट है। लेकिन जब इस जगह क्यू की बात करते हैं तो जितनी भी गैसेस है उनके प्रेशर कंसीडर किया जाएंगे और जितने भी एक्वास है उनकी कंसंट्रेशन कंसीडर की जाएगी। जबकि प्रॉपर केमिकल इक्विलिब्रियम में जब हम केसी या केपी पढ़ रहे हैं तब सबकी या तो कंसंट्रेशन ली जाती थी या सबकी क्या ली जाती थी, प्रेशर एटीएम में ली जाती थी। समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम ये डेरिवेशंस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, जो गैस है उनके गैसियस फेज लेंगे और जो एक्वस है उनके कंसंट्रेशन लेंगे, गैसियस प्रेशर एक्वस के लिए कंसंट्रेशन। तो बताइए प्रोडक्ट, ये गैस है तो क्या आ जाएगा, पी सी की पावर सी, और ये एक्वस है तो कैसे लेंगे आप इस जगह, डी की कंसंट्रेशन की पावर डी। नीचे क्या है आपके पास, एक्वास है ए पावर ए और बी, बोलो क्लियर हुआ? तो पहले तो ये समझो कि यहां पर क्यू पहले वाले क्यू से कैसे अलग है। नाम वही है रिएक्शन क्वेश्चन, लेकिन अब हम एक रिलेशंस क्रिएट कर रहे हैं तो हमें इस तरह से कंसीडर करके चलना होगा। कर लिया आपने? तो ये तो हो गया आपके पास क्यू, क्यू की वैल्यू ये है। टी आप जानते हो क्या है, टी यहां पर टेम्परेचर, और कौन सी आ रही है, डेल्टा एच। डेल्टा एच इस पूरी केमिकल रिएक्शन में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो है, यानी हीट ट्रांसफर या एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। एक और टर्म आपके पास आ रही है वो है डेल्टा एस, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज। ये क्या है हमारे लिए, एंट्रोपी। ये एक ऐसी टर्म है जो आप थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इतना बता देता हूं कि कभी भी मतलब एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस का मतलब समझ लीजिए, अगर आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर सारी गर्ल्स बैठी हुई हैं, यहाँ सारे बॉयज बैठे हुए हैं, अब अगर ये तो है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, अगर मिक्स कर दिया जाए तो क्या बोलोगे, डिसऑर्डरनेस। आप किसी शादी में गए, खाना डिसऑर्डरनेस लगा तो आप बोल दोगे वहां पर डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस बहुत ज्यादा था, पता ही नहीं चल रहा था कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, ठीक है ना? तो आसान भाषा में उसको बोल दोगे एंट्रोपी बहुत ज्यादा थी, डिसऑर्डरनेस एंट्रोपी। तो अगर किसी रिएक्शन में सॉलिड से अगर गैस बन रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, और गैस से सॉलिड बन रहा है तो एंट्रोपी कम होगी। तो इस रिएक्शन में देखा जाए तो गैस से गैस बन रही है डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि गैस से गैस। हाँ, अगर सॉलिड से बढ़ रही होती तो डेल्टा एस का साइन क्या होता, पॉजिटिव तो होता लेकिन बिग पॉजिटिव। तो जनरली इन रिएक्शंस के लिए डेल्टा एस क्या होता है, पॉजिटिव। किसी भी रिएक्शन में एंट्रोपी जनरली क्या होती है, बढ़ती है, जनरली बोल रहा हूँ। तो यहां हमारे लिए एंट्रोपी बढ़ रही है, वो एंट्रोपी की वैल्यू चेंज हो रही है वो डेल्टा एस है। और कौन सी टर्म आ रही है, आर गैस कॉन्स्टेंट,
गैस कांस्टेंट। ऐसे डेरिवेशन में हमेशा आप एम के एस वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे एम के एस। सी जी सी आर चैप्टर में मत करो क्योंकि डेरिवेशन कर रहे हो, तो एम के एस और एम के एस है 8.314 जूल पर मोल पर कैलविन। ये सारे डेरिवेशंस आपको क्या बता रहे हैं कि यहां पर बस क्यू टर्म आ गई थी, इसलिए आपको ये डेरिवेशंस आपको मेरे को बताना पड़ रहा है। अब आगे कैसे, आगे क्या बताना चाह रहे हैं हम, अगर इन दोनों डेरिवेशंस को मिला दिए जाए, यहां से डेल्टा जी की वैल्यू उठा के वहां रख दी जाए तो क्या होगा, तो कुछ इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। और अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, ध्यान से सुनना एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर ये स्टैंडर्ड है तो उस रिएक्शन में आने वाली और भी, या उस इक्वेशन में आने वाली और टर्म भी क्या होगी, स्टैंडर्ड होगी। यानी ये स्टैंडर्ड है तो टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड हुआ, तो डेल्टा एच भी स्टैंडर्ड, ये भी स्टैंडर्ड, सही है। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, यानी एक जगह नोट लगाओगे तो सब जगह नोट लगेगा, और एक जगह हटाओगे तो सब जगह हटाना पड़ेगा। अब बात आती है अगला पॉइंट, नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम आप क्या देखना पसंद करेंगे। इक्विलिब्रियम, जब मैं बात करता हूं इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है यहां पर, तो देखते हैं इक्विलिब्रियम पे सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब रिएक्शंस ना फॉरवर्ड जा रही है ना बैकवर्ड जा रही है तो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है, जबकि डेल्टा जी तो किसी और स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाला गया है, तो डेल्टा जी तो वैल्यू जीरो, और डेल्टा जी की वैल्यू जीरो रखते ही आपने डेल्टा एच की वैल्यू आपने रख दी डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू की जगह आप क्या लिख देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन क्वेश्चन को आप क्या बोल सकते हो, रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, तो ये आपके पास आ चुकी है एक बढ़िया सी इक्वेशंस की, डेल्टा एच इक्वल टू दिस दिस दिस, और अब इसी को आपको और ज्यादा मेहनत करके समझना है। क्या आप इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो, हाँ। तो ये तो हमारे पास छोटा सा पॉइंट रहा जो हमने डिस्कस किया। अब अगर इसको हम और अच्छे से देखना चाहते हैं तो मैं ले जा रहा हूं आर टी एल एन क्यू इक्वल टू, ये मैं उस तरफ ले गया, ये सारी चीजें उधर ले गया, तो एक तरह से क्या हो जाएगा टी डेल्टा एस नॉट, ये चीजें उधर ले गया, ये यहीं रहने दिया, ऐसे समझ लीजिए, तो माइनस डेल्टा एच नॉट हो जाएगा आपके पास, सही है। और अब आपने आर टी का पूरा डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशंस में, तो आपके पास क्या आ जाएगा एल एन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एस नॉट अपॉन आर और माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी, ये आपके पास आ जाएगा। आपने एल एन को लॉग में चेंज कर दिया तो लॉग यहां पर एल एन क्यू नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आपके पास आएगा लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर, डिवाइड करना पड़ेगा आपको 2.303, तो यहां से आपके पास एक और इक्वेशन आ रही है, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो आर और टी भी आ रहा है, तो इसको आप लिखें जल्दी से, क्या और डेरिवेशन भी आ सकते हैं, हाँ ध्यान से देखिएगा, हम यहां से भी एक डेरिवेशन बना सकते थे, इस जगह से एंड वीनो इससे भी बना सकते थे, दोबारा हमें याद करना पड़ेगा एट इक्विलिब्रियम, आप पहले देख लीजिए फिर एक साथ लिख लीजिएगा डेल्टा जी क्या हो जाएगा जीरो, तो आपके पास आर टी एल एन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू को अब आप क्या लिखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा जी नॉट, तो यहां आपके पास 2.303 ये माइनस हो जाएगा,
2.303 आरटी लॉग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट। तो आपके पास लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, ये उस तरफ जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आरटी, और अगर आपने लॉग को उधर भेज दिया तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आरटी। मैंने बहुत बार मेंस का क्वेश्चन देखा है जो इस फॉर्मेट पे आया है डायरेक्टली, और बहुत बार क्वेश्चन देखा जो इस फॉर्मेट पे आया है। इस फॉर्मेट में जो क्वेश्चन आते हैं और इस फॉर्मेट में जो क्वेश्चन आते हैं उस पे एक बार डिस्कशन करेंगे, तब तक आप पहले इसको लिखो। तो चलिए इसको समझते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन ये हो सकती है, एक इक्वेशन ये रह सकती है। इस पे क्या क्वेश्चन होंगे, आपको के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टी के बीच में कर्व बनाया जा सकता है जो कि हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। और जब आप क्वेश्चन का कर्व देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास डेल्टा एच नॉट की वैल्यू है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, और वही सारे कर्व जो आपने आरहेनियस इक्वेशन से डेराइव करें वो सारे कर्व यहाँ पर भी आ जाएंगे। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो आप मान के चलिए ये इक्वेशन क्या बनेगी, वाई इक्वल टू ये आएगा माइनस एम एक्स प्लस सी, माइनस एम एक्स प्लस सी, और ये जो सी की वैल्यू है ये अपने आप में नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप बिल्कुल समझ में आ जाइए कि इस जगह नेगेटिव स्लोप है, तो ये कर्व कोई सा भी हो सकता था, नेगेटिव स्लोप है, बोलो क्लियर है। तो यहां जब थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास, क्योंकि पॉजिटिव ले रहे हो मोड में लेने की कोशिश करो आप, डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर बन के आएगा, नहीं ये आएगा डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर बन के आएगा। इससे डेल्टा एच नॉट निकाला जा सकता है जो हम पहले भी कर पा रहे थे, ये तीनों कर्म में से कोई सा भी हो सकता था। और अगर दूसरा केस फर्स्ट, और अगर दूसरा केस होता, केस सेकंड, जब एंडोथर्मिक नहीं होती रिएक्शन, एक्सोथर्मिक होती, नेगेटिव होता, तो y इक्वल टू प्लस एम एक्स प्लस सी वाला कर्व आता, ये डेल्टा एच अपने आप में नेगेटिव होता, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी स्लोप आपके पास क्या हो जाता, पॉजिटिव। तो आपके कर्व अब इस तरह से होते, इनमें से कोई भी एक कर्व हो सकता था, डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ डेल्टा एस नॉट साइन, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता, और यहां पर भी थीटा आपके पास जो आता वो टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है, डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर, यहां से आप डेल्टा एच नॉट निकाल सकते थे। अच्छी बात ये, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और उससे भी अच्छी बात ये कि बार बार रिपीट भी होने के चांसेस रहते, तो आप इसको दिमाग में बैठा के चलें। दूसरी तरफ यहां क्या रिजल्ट बनेगा, यहां कुछ रिजल्ट बहुत आसानी से बनेंगे। अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, लेस देन वन, क्योंकि 10 की पावर माइनस वन आएगा, और 10 की पावर माइनस वन लेस देन वन होगा, इज दैट क्लियर, मैथ्स लगा लेना। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 10 की पावर अगर कभी भी पॉजिटिव आएगी तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक से बड़ा होगा, लेकिन कितना होगा वो तो आपको कैलकुलेशन करके ही पता लगाना पड़ेगा। इस पे एग्जांपल आते हैं, अक्सर आते हैं, डेल्टा जी नोट की वैल्यू दी जाती है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इफ
डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू, कुछ भी वैल्यू दे दिया आपको, -2.3 किलो जूल पर मोल रिएक्शन के लिए दिया हुआ है, किलो जूल दिया हुआ है, जो भी आपको, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। फाइंड फाइंड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपका सॉल्यूशन इसी बेस पर है कि के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर माइनस डेल्टा जी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2.3 किलो जूल को जूल में चेंज कर दिया, ये हो गया। और आर की वैल्यू जो आप जानते हो 2.3, आर की वैल्यू रखोगे आप 8.314 और टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास आ गई 300। ये सब कुछ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 10 की पावर क्या आएगी। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, करना चाहो तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इतना तो बता सकते हैं कि अगर ऑप्शन कोई ऐसा एक ही है जिसमें आंसर 10 की पावर पॉजिटिव आ रहा है यानी 1 आ रहा है, इससे बड़ा आ रहा है, तो आप उसी को टिक करेंगे। आ रही है बात समझ में, करें इसको। आपका क्वेश्चन ये कि डेल्टा एस नोट की बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो सकती है, मैं आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। पर्टिकुलर रिएक्शन दे दी गई है, उसके लिए ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने के साथ आप लॉग क्यू क्या चेंज करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज करने के साथ, ये तो चेंज हो नहीं सकती, ये तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर है, ये तो फिक्स हो गई, ये तो तब चेंज होगी जब रिएक्शन चेंज होगी, और अगर रिएक्शन चेंज हो गई तो बात अलग है, लेकिन एक रिएक्शन के लिए कर्व है। अब पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव में थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो ये लाइन ऊपर चली जाएगी, छोटी हो जाएगी थोड़ी नीचे आ जाएगी, कम होते होते जीरो हो जाएगी, इस तरह से आ जाएगी, और कम होकर नेगेटिव आ जाएगी इस तरह से, और नेगेटिव होकर नीचे, ठीक है। लेकिन शेप ऐसी रहेगी, मैं आपको शेप भी बता रहा हूँ साथ के साथ, कोई डाउट नहीं है। और लेकिन गिवन रिएक्शन के लिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, बस टेम्परेचर वेरी कर रहे हो आप, और उसकी वजह से लॉग की लॉग के की वैल्यू या के की वैल्यू चेंज हो रही है। आप पहले भी मेरे से पढ़ चुके हैं के डिपेंड्स ओनली 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 ऑन टेम्परेचर फॉर गिवन रिएक्शन, और ये रिएक्शन फिक्स है हमारे लिए, ठीक है। तो थोड़ा और कोई डाउट बेटा?